हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वीडियो सो दिस इज़ अबाउट द फिजिक्स सिलेबस फॉर जेके एस एस पी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम सो विदाउट डिलेइंग लेट्स कंटिन्यू तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो जेके एस एस पी के साइंस रिलेटेड सिलेबस से होने वाली है जेके एस एस पी में साइंस का जो भी सिलेबस आएगा तो वो मैं आपको क्लियर करूँगी अपनी अपकमिंग वीडियोज में भी और इस वीडियो में भी हम इस वीडियो में अपने साइंस का फर्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है फिजिक्स का पार्ट तो इस वीडियो में आपको मैं हंड्रेड एक्सपेक्टेड एम करवाने वाली हूँ जो कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जेके एस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको 100 एम आपको वो मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंपली ये वीडियो देख के भी चले जाओगे अगर आप साइंस का एग्जाम देने के लिए तो आप फिजिक्स सेक्शन आराम से कर पाओगे क्योंकि ये जो 100 एम मैं आपको दे रही हूँ यही इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन तो हम बिना टाइम वेस्ट करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल पोजेस्ट डैश हैंस दे आर टर्न बाय अ फास्ट विंड जो विंड मिल सबको पता है विंड मिल क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं विंड मिल का तो जो ब्लेड्स होते हैं विंड मिल के उसमें क्या होता है जिसकी वजह से विंड जो है वो की वजह से वो फास्टली मूव करते हैं हम तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस इज डैश एज कंपेयर्ड टू अयर स्किन मैन तो क्या होता है जो एक डार्क स्किन मैन है वो एक्सपीरियंस क्या करता है लेस हीट एंड लेस कोल्ड उसको हीट भी कम लगेगी और उसको कोल्ड सीजन में कोल्ड भी कम फील होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं विच डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सी डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए या तो कंप्लीट करने के लिए तो कौन सी चीज़ है जो कि यूज़ होती है किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए या तो कंप्लीट करने के लिए तो वो डिवाइस क्या, तो क्या चीज़ है स्विच एक स्विच ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर हम ऑन करेंगे उसको स्विच को तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो सर्किट की फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारी जो सर्किट की फंक्शनिंग है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी और हमारा जो सर्किट है वो फेल हो जाएगा वो बंद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज़ द टेम्परेचर एट विच द बोथ फॉरन हाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू वो कौन से टेम्परेचर की वैल्यू है जिस टेम्परेचर वैल्यू पे फॉरन हाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल जो है उनकी सेम वैल्यू होती है फार आपको सबको पता ही जो टेम्परेचर होता है जो मर्करी की जो हम थर्मामीटर में जो मर्करी होता है उसकी स्केल्स हम दो वे से मेजर कर सकते हैं एक तो सेंटीग्रेड स्केल से एक तो फारेनहाइट स्केल से तो वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है वो है माइनस फोर्टी डिग्री माइनस फोर्टी डिग्री पे सेंटीग्रेड स्केल और फारेनहाइट स्केल की सेम वैल्यू होती है फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सेलेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द डैश एक्सेलेशन जो है वो एक्ट करती है किसकी डायरेक्शन में एक्सेलेशन किसकी डायरेक्शन में एक्ट करती है नेट फोर्स की जहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी वहीं पे एक्सेशन भी एक्ट करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन ऐटम बॉम्ब इज ऐटम बॉम्ब किस की प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है एटम बॉम्बरी यू एवरी वन नो किटम बॉम्ब जो होता है वो किसके फंक्शनिंग पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन ऐटम बॉम्ब इज क्या तो so, जो एटम बॉम्ब होता है वो किसकी कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है तो वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ़िशन जिसको न्यूक्लियर फ़िशन का मतलब नहीं पता फिशन नहीं पता तो फिशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर एटम्स और अगर फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर एटम्स इंटू ए बिगर मॉलिक्यूल जब एक बिगर मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है तो उसको फिशन बोलते हैं और जब एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर एक बिगर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन फिशन और फ्यूजन दोनों पता होने चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है आपको अगर फिशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है फ्यूजन का भी कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी सी की डेप्थ मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं तो हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं फैंथम फैंथम जो है एक यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं सी की डेप्थ को मेजर करने के सी की डेप्थ हम ऐसे मेजर कर नहीं सकते हैं? हमें क्या पता हम कहाँ पे खड़े होंगे और कौन सी हम स्केल यूज करेंगे तो वो स्केल कौन सी यूज होती है फैंथम नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिक कैन बी करेक्टेड बाई जो एक्सट जो आपको नहीं पता है वो मैं बता दूं ये आई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है एस्टिक क्या है ये एक विजन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्निया का जो साइज़ होता है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो विजन है वो ब्लरी हो जाती है तो एस्टिक जो है वो कैन बी करेक्टेड बाय किसकी हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं हम उसको सिलेंड्रिकल लेंसेज सिलेंड्रिकल लेंसेज की हेल्प से हम एस्टिक की जो प्रॉब्लम है उसको हम क्योर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्बर्ट्स लॉ इज़ रिलेटेड टू जो लैम्बर्ट लॉ है वो किससे रिलेटेड करता है वो किसके ऊपर बेस्ड है इल्यूमिनेशन के ऊपर तो इल्यूमिनेशन जो है वो लैम्बर स्लॉ के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी सेल तो हम सब ने देखा हुआ है तो एक जो बैटरी होती है उसकी उसमें कौन सी एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो वो कौन सी एनर्जी है केमिकल एनर्जी बैटरी में क्या होता है सेल में क्या होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इलेवंथ क्वेश्चन द लॉन्गीडनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन ट्वेंटी हर्ड्स इज़ कॉल्ड जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ट्वेंटी हर्ड से छोटी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कौन सी वेव्स इंफ्रासोनिक मैकेनिकल वेव्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड इन जो स्टार्स का डिस्टेंस है वो हम किससे मेजर करते हैं ये आपको पता ही है सबको पता भी होना चाहिए क्योंकि ये हम आई थिंक अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए स्टार हम किससे मेजर करते हैं लाइट एयर से किससे मेजर करते हैं लाइट एयर से हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हम जिससे स्टार्स का डिस्टेंस आपस में मेजर कर सके तो वो किससे हम करते हैं लाइट एयर से एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज़ अवारेड द नोबल प्राइज़ फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबल प्राइज़ मिला था किसके लिए किस के लिए वो उसका क्या एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था उसको नोबल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में इंटू मकैनिकल एनर्जी मोटर हम सबके घर में होती है तो वो क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है किसी फंक्शन में मतलब मैकेनिकल एनर्जी में नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन है हमारे पास रॉबर्ट कोच हैज़ इन्वेंटेड द रॉबर्ट कोच ने क्या इन्वेंट किया था रॉबर्ट कोच ने क्या इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रॉब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किसने इन्वेंट किया था तो वो किसने इन्वेंट किया था रॉबर्ट कोच ने नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्सटीन क्वेश्चन जो कि है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस इज़ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं एडहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स में जो भी जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि फोर्स होती है किसी भी सब्स्टांस अगर हम ले लें कोई आइटम ले लें तो उसके बीच में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं एक एडहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स जो होती है ग्लू का, का काम करती है मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गुड कंडक्टर्स में सबको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास ऑन कर जाती है और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गुड कंडक्टर्स में वो क्या होते हैं लूजली बाउंड होते हैं इसकी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो तो गुड कंडक्टर्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं और बैड कंडक्टर्स में टाइटली बाउंड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एटीन वन बैरल ऑफ ऑयल इक्वल टू डैश लीटर्स एक ऑयल का बैरल जो होता है उसमें कितने लीटर्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली ऑयल के तो वो कितने आते हैं अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी नाइन लीटर्स एक ऑयल के बैरल में कितने लीटर ऑफ ऑयल आते हैं अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी नाइन लीटर्स नेक्स्ट नाइनटीन हमारे पास क्वेश्चन है इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू थ्री पार्ट्स अगर एक बार मैग्नेट को हम कट करते हैं थ्री पार्ट्स में वट विल द टोटल नंबर ऑफ पोल्स भी तो उसके टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने बनेंगे सिक्स कैसे थ्री जो पार्ट्स होंगे तो उसमें से एक अगर पार्ट के हम पोल कंसिडर करें तो एक पोल के कितने पार, एक पार्ट के कितने पोल्स आ गए दो उसका फ्रंट पार्ट और उसका बैक पार्ट तो उससे सिमिलरली तीनों पार्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने पोल्स आ जाएंगे सिक्स पोल्स ये था हमारा नाइनटीन क्वेश्चन अब देखते हैं अपना ट्वेंटी एथ क्वेश्चन जो कि है इफ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अगर एक बॉडी हॉलो है अगर ये बॉडी अंदर से खाली है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा वो कहाँ पे होगा आउटसाइड द मटेरियल, उस मटेरियल के बाहर वकी साइड इफ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज़ इंक्रीज द रिटिव ह्यूमिडिटी विल अगर एक रूम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ किया जाता है तो जो रेलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी रूम की वो क्या होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी अगर एक रूम का टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो उसकी रेलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होती है अगर एक रूम के टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाता है तो उसकी रेलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब जो टेम्परेचर और रेलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्स रिलेशन है उन दोनों का नेक्स्ट है ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन इन समर द मिराजिज़ आर सीन ड्यू टू द फिनिना ऑफ मिराज आपको अगर जिसको नहीं पता होगा मिराज क्या चीज़ है मिराज में क्या होता है कि आपको किसी चीज़ के ऐसे विजुअल्स दिखना शुरू हो जाते हैं जैसे आप डिज़र्ट्स में अगर जाओगे आपको दिखेगा कि काफ़ी एक डिस्टेंस पे जो है वो आपको वाटर दिखाई देगा तो वो वाटर ओरिजिनली होगा नहीं बट आपको उसके प्रेजेंस की फीलिंग आएगी कि वहाँ पे है तो वो जो समर में मिराजि होते हैं कि आपको पानी दिख रहा है एक जगह पे तो वो किसकी किस फिनमिना की, की वजह से होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमें मिराजि होते हैं वो शो होते हैं नेक्स्ट है ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेव जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो कौन सा कलर है विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है जैसे रेनबो है ठीक है रेनबो में सेवन कलर का स्पेक्ट्रम आ गया ठीक है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कलर है जिसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है तो वो कौन सा कलर होता है रेड कलर रेड कलर की सबसे ज्यादा वेव होती है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर कौन सा मीडियम है जिसमें साउंड जो है वो सबसे फास्टर मूव करती है साउंड का भी एक अपना एक स्पीड होती है तो कौन से मीडियम में साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है वो कौन सा मीडियम आ जाता है सॉलिड सॉलिड में क्या होता है कि जो साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है फास्टली नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन है हमारे पास इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पानी की सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं चल सकते हैं मूव कर सकते हैं विदाउट सिंकिंग हमने बड़ी बार देखा होगा कि जो पानी की सरफेस है उसके ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा है या कुछ वो डूब नहीं रहा है वो क्यों किस फिनोमिना की वजह से ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं पे भी दिखेगा कि इंसेक्ट जो है वो पानी के ऊपर चल रहा है बिना सिंक किए हुए तो वो किसकी वजह से तो सर्फेस वाटर सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन है हमारे पास द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिस वॉज प्रपोज वाई जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिस हैं वो किसने दिए थे वो दिए थे एम फेरेडे ने एम फेरेडे ने हमें लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिस दिए थे देन ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन आता है लाइट ट्रेवल्स इन अ लाइट ट्रैवल कहाँ करती है कैसे करती है स्ट्रेट लाइन में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना कि कवि वेव्स में या किसी और वे से ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास वॉट इज़ यूज एज ए कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो uh, वर्ल्ड के कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें कौन सा कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है वाटर वाटर को हाँ वाटर को जो है वो एज कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ साउंड जो साउंड वेव है उसका नेचर कैसा होता है वो किस वे की होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव किस हिसाब से होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन आ जाता है वन फर्मी यूनिट इज इक्वल टू वन फर्मी यूनिट किसके इक्वल होती है वो होती है टेन रेज टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर दियर कितने एसआई बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास सेवन नेक्स्ट थर्टी सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑन विच ट्रांसफॉर्मर वर्क्स जो आप आ, हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं हर जगह पे वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो होती है म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पे आ, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क करता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्टी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन को उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है वो है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन तो एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन तो यहाँ फिर ऐसे भी आ सकता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इज डिफाइंड एज वॉट तो उसको हम कैसे कर सकते हैं आंसर में क्या आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नेक्स्ट थर्टी फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मीडियम इज मिनियमम वेन यू जो हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम होती है जब क्या करते हैं हम वेन वी लाई ऑन द ग्राउंड वैन वी लाई ऑन द ग्राउंड तो जब हम uh, किसी ग्राउंड पर लेटे होते हैं तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे मिनिमम होती है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है वॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट या टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर तो ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बॉइलिंग पॉइंट्स और फ्रीजिंग पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जहाँ पे चीज़ कोई भी सब्सटेंस uh, है या लिक्विड है कुछ भी है वो बॉइल होना शुरू होता है और फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ जमना शुरू हो जाती है तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना है थर्टी टू फारेन फारेनहाइट क्या है हमारे जो प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास थर्टी सिक्स क्वेश्चन वट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एंगल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे क्या है एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं किस यूनिट से रेडियन से रेडियन से भी कर सकते हैं या तो डिग्री से भी कर सकते हैं ठीक है तो अगर ऑप्शन में रेडियन और डिग्री दोनों हो तो बोथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वेव्स ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन जो रेडियो वेव्स होती हैं विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड जिनका एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से ऑसिलेटर की हेल्प से किसकी हेल्प से ऑसिलेटर की हेल्प से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू हुक्स लॉ क्या कहता है किसके बारे में रिलेट करता है वो किसके बारे में बोलता है इलास्टिसिटी हुक्स लॉ किसके बारे में है इलास्टिसिटी के बारे में है. नेक्स्ट थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन है सडन फॉल इन बैरोमीटर इज़ द इंडिकेशन ऑफ जिनको बैरोमीटर नहीं पता तो मैं बता दूँ बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम हमारे जो एयर है उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो बैरोमीटर किसकी क्या करता है प्रेशर एयर के प्रेशर को मेजर करता है देन अगर मैं बता दूं जो सडन फॉल होता है इन द बैरोमीटर वो क्या बताता है हमें क्या डिपिक्ट करता है कि स्टॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वाटर मूविंग अप अ स्ट्रा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जो स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं हम जूस के लेने के लिए या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कैपलरी एक्शन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज़ ड्यू टू हमारी जो स्काई है वो उसका कलर ब्लू किस प्रिंसिपल पे है क्यों ब्लू होता है किसकी वजह से ब्लू होता है उसका कलर ब्लू डिस्पर्जन ऑफ लाइट लाइट की डिस्पर्जन की वजह से हमारा जो स्काई का कलर है वो ब्लू हमें अपेयर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वॉट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन अ मैगनेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट क्या होती है एक ड मैगनेट होता है जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी मैग्नेट के अंदर वो क्या होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो नेक्स्ट फोर्टी थर्ड क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वॉज कन फर्स्ट कंडक्टेड वाई किसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट एक कंडक्ट किया था जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एग्जिस्टेंस का हमें पता चला तो किसकी वजह से पता चला हैनरिच हर्ड्स हैंनरिच हर्ड्स की हेल्प से हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जिस्टेंस थी वो सबसे पहले हमें पता चली नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलेमेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑप ऑफ विच मेटल जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब सबने देखा हुआ है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है टंगस्टन मेटल का तो so, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्रैग इज़ द फोर्स एक्जर्टेड बाई फ्लूड्स फ्लूड्स सबको पता है कि एक अपने से एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं अगर हम फर्श पे कोई हम अगर हम कोई फ्लूड फेंकते हैं कोई ऑयल या लिक्विड वाटर जूस कुछ फेंकते हैं वो उनकी अपनी एक रिजिस्टेंस होती है वो अपने आप को रिजिस्ट करते हैं फ्लो करने में वो कभी कभी कुछ फ्री फ्लो कर जाते हैं कुछ कुछ अपने आप को रिजिस्ट करके कर रखते हैं जैसे ऑयल रखेंगे अगर हम तो वो अपने आप को रिजिस्ट करेंगे वो फ्रीली फ्लो नहीं करेगा बट वाटर uh, अगर नीचे गिरेगा तो वो क्या होगा वो इजिली फ्लो कर जाएगा तो ड्रैग जो होती है वो फोर्स uh, जो एग्जर्ट करते हैं फ्लूड वो कौन सी फोर्स होती है फ्रिक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होती है ऑटोमोबाइल्स में वो किसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है क्या हाइड्रोलिक ब्रेक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन आ जाता है द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस इन अ माइक्रोस्कोप इज जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है हमारे पास उसमें जो कन्वेक्स लेंस यूज होता है वो कैसी इमेज बनाता है वो इमेज कैसी बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट ऑफ मिरर इज यूज इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट ड्राइवर सीट के जो साइड में राइट right साइड में सबने मिरर देखा हुआ है अब उसमें जो किस तरह का मिरर यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर यूज होता है कन्वैक कनके मिरर यूज होता है कौन सा होता है तो वो कौन सा मिरर यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर आप सबने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ी होंगी ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपेयर तो वो कौन सा हमारा लेंस लगा होता है उसमें हमारा लेंस लगा होता है सॉरी मिरर लगा होता है तो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है वो लगा होता है हमारा कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एक एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो हमारे जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है एक न्यूट्रॉन्स दूसरा प्रोटॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसका साइज कितना होता है टेन रेज टू माइनस फिफ्टीन मीटर तो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो कितना आ जाता है ट्वेंट रेज टू तो पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो ये थे हमारे हंड्रेड एम सी क्यूज़ के फर्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन आपको जो, जो जेके एस एस बी का साइंस का सिलेबस है वो टेन मार्क्स का है टेन मार्क्स में आपको फिजिक्स भी आएगी केमिस्ट्री भी आएगी और बायो भी आएगी या आज का जो हमारा सेशन है सिर्फ फिज़िक्स का ही है अपकमिंग वीडियोस मेरी आ, केमिस्ट्री और बायो की भी होंगी आप देखते रहिए आप आइकन को दबा लो ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें आपकी कोई वीडियो स्किप नहीं हो ताकि आपकी सिलेबस में सिलेबस की जो प्रिपरेशन हो रही है वो उसमें कोई इंटरप्शन आए तो हम बिना टाइम वेस्ट करें अपना फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी अ ब्लैक स्काई दिस इज बिकॉज ऑफ हमें यहाँ से स्काई का कलर क्या दिखता है स्काई ब्लू ब्लू ले सकते हैं हम तो मून्स की सरफेस से एस्ट्रोनॉट्स को स्काई का जो कलर है वो ब्लैक क्यों दिखता है वो क्यों दिखता है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑफ इन मून हम जब यहां से स्काई को देखते हैं तो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखेगा ब्लू कलर का क्यों दिखता है क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा होता है बट डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहाँ पे होता है एटमोस्फेयर के अंदर बट मून में अगर एटमोस्फेयर ही नहीं है तो वहां पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं होगा तो वहां से स्काई जो होगा वो ब्लू का कलर का नहीं दिखेगा तो वो किस कलर का दिखेगा ब्लैक कलर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विद इट्स जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वायर में वो सबका अलग अलग होता है तो जिस इस मटेरियल की वायर होगी उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंगली वेरी करता है द स्पीड ऑफ लाइट विल बी इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इक्वेशन दिया हुआ आपको आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है जो स्पीड ऑफ लाइट है लाइट की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है जैसे टेम्परेचर किसी मीडियम का बढ़ता है तो ये ट्रू है फॉल्स है ये चीज़ फॉल्स है फॉल्स क्या है क्यों है फॉल्स है क्योंकि जब भी स्पीड लाइट uh, एक स्पीड से मूव कर रही होती है किसी मीडियम में तो उसकी जितनी भी uh, उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज नहीं होगी कभी भी वो हमेशा स्टैटिक रहेगी वो एक एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर जो कौन सी जो है स्ट्रांगेस्ट फोर्स मानी जाती है नेचर में वो है न्यूक्लियर फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन टेम्परेचर सन का मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए इंस्ट्रूमेंट एक बनाया गया है जिसका नाम है पायरोमीटर पायरोमीटर की हेल्प से हम सन का टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनिना अकर्स वेन लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम उस फिनिना का नाम बताओ जिसकी हेल्प से क्या होता है लाइट पास करती है फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम तो वो कौन सा फिनमिना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से क्या होता है जो लाइट होती है वो पास करती है फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दैम कौन से सब्सटेंसेस हैं जो अब अलाउ नहीं करते हैं अपने आप से चार्ज का फ्लो करना तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंसुलेटर Insulator. इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू किसी भी अगर हम यूनिट में देख लें तो वो सेम रहती है तो वो कौन सी वैल्यू होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है अगर हम किसी भी यूनिट की बात कर लें तो नेक्स्ट फिफ्टी नाइन क्वेश्चन है हमारे पास वट इज द स्पीड ऑफ़ साउंड इन एयर साउंड की स्पीड जो है वो हवा में कितनी होती है वो होती है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू मीटर पर सेकेंड तो थ्री हंड्रेड थर्टी टू मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड uh, है किसकी साउंड की एयर में नेक्स्ट हमारे यहाँ सिक्सटी एथ क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ द कॉर्ड्स क्रिस्टल इन द वॉच इज़ बेस्ड ऑन विच इफेक्ट जो हमारी वॉचिज होती हैं उसमें जो क्वार्ड्स क्रिस्टल होता है वो किस इफेक्ट बेस्ड है वो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्मानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ जो पर्मानेंट मैग्नेट्स हैं वो किसके बने हुए हैं स्टील के किसके बने होते हैं स्टील के ड्यूरिंग ए फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूज दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनना विंटर के सीजन में क्या होता है कि फॉग uh, बड़ी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हमारी गाड़ियों में हमें दिखना बंद होता था गाड़ियों में कहो या ऐसे भी बेयर फुटेड भी अगर आप जा रहे हो कहीं पे तब भी आपको क्या होता है कि आपको विजिबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है तो ड्यूरिंग ये फॉग ही होता है कि हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो थोड़ी एक लेवल तक रिड्यूस हो जाती है हमारी हमें एक डिस्टेंस के बाद हमें दिखना बंद हो जाता है तो ये किस फिनिना की वजह से होता है ये होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है हमारी विजिबिलिटी फॉग में रिड्यूस हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटलेसनेस एक्सपीरियंसड इन स्पेस शिप इज़ ड्यू टू जो स्पेसशिप होती है उसमें जो आ, हमें अपना वेट फील होना बंद हो जाता है वो किस वजह से होते है वो होता है ड्यू टू द एबसेंस ऑफ ग्रेविटी हम अर्थ पे हैं हम अर्थ में हैं हमें अपना एक वेट है हमारा एक बट जब हम स्पेस पे चले जाते हैं हमें वेटलेसनेस हो, फील होना शुरू हो जाती है जब ये जो एस्ट्रोनॉट्स आस्ट्र, हैं ये स्पेस में चले जाते हैं तो ये क्या होता है इनको वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है ये हवा में जाना शुरू हो जाते हैं जैसे अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे अपवर्ड मोशन में तो वो चीज़ अल्टीमेटली नीचे आएगी क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी बट अगर हम स्पेस पे कोई चीज़ हम ऐसे अपवर्ड या डाउनवर्ड या कहीं पर फेंकेंगे तो वो चीज़ वापस हमारे तक नहीं पहुंचेगी क्यों क्योंकि उसने उसने वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया होगा क्यों क्योंकि एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच डिवाइस इज़ यूज टू फाइंड समर्ज ऑब्जेक्ट्स समर्ज ऑब्जेक्ट्स को फाइंड uh, आउट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करी जाती है अब जैसे कोई uh, कोई छोटी वाटर बॉडीज़ है तो वहाँ पर हम कोई भी समर्ज चीज़ होगी तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं खुद ही अपने ऑन और ओन तो बट अगर कोई सी या ओशन में कोई चीज़ अगर समर्ज होगी तो हम उसको किसकी हेल्प से ढूँढ सकते हैं सोनार की हेल्प से सोनार की हेल्प से हम समर्ज ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इन टू डायरेक्ट करंट क्यों कौन सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से ए सी को हम डी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कौन सी डिवाइस है रेक्टीफायर रेक्टीफायर की हेल्प से हम क्या करते हैं ए सी को हम डी सी में इजली कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास विच एलिमेंट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सी डि एलिमेंट जो है वो एज मॉडरेटर यूज किया जाता है वो क्या है ग्रेफाइट ग्रेफाइट एज यू नो एक कार्बन की ही एक टाइप है तो इसको हम एज यूज करते हैं एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो कौन सी डिवाइस है फोटो इलेक्ट्रिक सेल फोटो इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो ऐसी एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड जो पावर ऑफ लेंस है उसका क्या यूनिट होता है डायऑप्टर तो डायऑप्टर किसका यूनिट है पावर ऑफ लेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी का क्या यूनिट है वो है क्यूरी क्यूरी किसका यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का नेक्स्ट हमारे पास सेवेंटी एथ क्वेश्चन आता है एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द विलोसिटी ऑफ टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमोसफेयर Uh, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी विलासिटी अटेन करनी पड़ेगी ताकि वो अर्थ के एटमॉसफेयर को छोड़ सके अब जैसे अगर हम कोई भी बॉल यहाँ से फेंकते हैं बॉल की एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी बॉल अगर हम अपवर्ड मोशन में फेंकते हैं तो बॉल अल्टीमेटली हमारे पास आएगी किसकी वजह से ड्यू टू ग्रेविटी तो वो कितनी फोर्स अगर हम कितनी विलासिटी के साथ अगर हम उस बॉल को ऊपर फेंकें अपवर्ड अपवर्ड मोशन में फेंकेंगे कि वो बॉल हमारे तक वापस नहीं आए तो वो कितनी विलासिटी होगी एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से अगर हम बॉल को अपवर्ड या कहीं भी फेंकेंगे तो वो क्या होगा वो चीज़ वापस नहीं आएगी वो अर्थ के एटमोसफेयर को छोड़ देगी और वो स्पेस की साइड चली जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ लाइट लेंथ ऑफ लाइट वेव्स जो लाइट वेव्स हैं उनकी लेंथ मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट हमें काम आता है वो होता है एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम की हेल्प से हम क्या सकते कर सकते हैं लेंथ मेजर कर सकते हैं किसकी लाइट वेव्स की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज कॉल्ड एक शॉर्ट ड्यूरेशन वेव उसको क्या बोलते हैं पल्स पल्स क्या होती है एक शॉर्ट ड्यूरेशन वेव पल्स को हम शॉर्ट ड्यूरेशन वेव भी बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन डिड आइंस्टाइन प्रपोज दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कौन सा एयर था जब आइंस्टाइन ने यह बताया था कि हम मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में तो वो कब किया था उसने नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है कैंडिला नेक्स्ट है वॉट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट है हमारे पास मैक्सलैल और लूमिनस इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट आता है कैंडिला वेयर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हमारे पास मैक्सूल नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स हमारे पास आया था वॉट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का यूनिट आप लर्न कर लीजिए ओम होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आ गया ओम मीटर ओम मीटर किसका यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसका जो वेवलेंथ है वो कि, उसकी रेंज कितनी होती है थ्री हंड्रेड नाइन्टी टू सेवन हंड्रेड नाइनो तो ये रेंज किसकी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की अ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो हमारे पास घर पे सबके वॉशिंग मशीनस होती हैं वो किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं किस प्रिंसिपल पे फंक्शंस करती हैं सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से जो वॉशिंग मशीन है वो वर्क करती हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वैन ए बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड वॉट हैपन्स टू इसलेशन जब हम एक बॉल हम अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी एक्सलेशन में क्या फ़र्क आएगा क्या चेंज आएगी तो इसका आंसर है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट कोई चेंज नहीं होगी जहाँ से जब हम जिस फोर्स के साथ आएंगे वो उसी फोर्स के साथ ऊपर जाएगी और फिर वापस आ जाएगी एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता है कि क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स या स्मॉलर पार्टिकल्स को हम एन लार्ज व्यू से देख सकते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास किस टाइप के ऑफ लेंस से बना होता है कन्वेक्स लेंस से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वट कलर विल अ रेड ग्लास अपेयर इफ इट इज हीटेड इन डार्क रूम अगर एक डार्क रूम में हम एक रेड कलर के ग्लास को हम हीट करते हैं तो हमें उस ग्लास का क्या कलर हमें दिखेगा उस ग्लास का कलर हमें ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे अपने खुद भी कर सकते हो अगर आपको ये चीज एक्सपीरियंस करनी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट हैपन्स टू द सर्फेस टेंशन ऑफ द वॉटर वेन ए डिटर्जेंट इज एडेड टू इट अगर हम पानी में हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन को क्या अफेक्ट होगा क्या चेंज uh, आएगी क्या वेरिएशन आएगी तो इसका आंसर क्या है डिक्रीजेस कि अगर हम वाटर uh, में हम डिटर्जेंट uh, डालते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ़ जी जी क्या है आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है एट पोल्स पे पोल्स पे इसकी जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट में यूज होता है टू मेजर द आल्टीट्यूड्स हाइट्स मेजर करने के लिए एयरक्राफ्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है अल्टीमीटर अल्टीमीटर की हेल्प से क्या होता है हम क्या कर सकते हैं हम आल्टीट्यूड मेजर कर सकते हैं इन एयरक्राफ्ट में दैन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एटी फाइव क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं क्या मेजर करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की चेंज में अगर हमें चेंज मेजर करनी हो कि सब्सटेंसेस के वॉल्यूम में क्या चेंज आई है तो कौन सा measure, हम इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से वो होती है डाइल्टोमीटर डाल्टोमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन ओशन की डेप्थ मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम ओशन की डेप्थ मेजर कर सकते हैं फैथो मीटर फैथोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं ओशन की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं नेक्स्ट एटी सेवन क्वेश्चन आता है हमारे पास द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विद अ जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कितनी पावर है वो हम किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं वॉट मीटर तो वॉट मीटर हमें हेल्प करता है कि हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी पावर को मेजर कर सकें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि लाइट uh, स्कैटर कैसे हो रही है बाई द पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड एक लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर से लाइट स्कैटर कैसे हो रही है किस वे से हो रही है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम उसको मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं नेपथेलो मीटर।, मीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई सस्पेंडेड इन ए लिक्विड एक लिक्विड में जितने पार्टिकल्स है उसमें कितनी लाइट स्कैटर कर रही है किस वे से कर रही है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेपथैलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर तो इसका आंसर क्या आ जाता है स्टील अब जिनको इलास्टिसिटी का कंसेप्ट पता नहीं होगा तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे कि रब्बर तो इलास्टिक है इलास्टिक उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब रब्बर ही है तो स्टील कैसे आ गया तो इलास्टिसिटी में आपको बता दूँ इलास्टिसिटी का मतलब है रेजिस्टेंस टू द चेंज इलास्टिसिटी में क्या होता है रेजिस्टेंस टू द चेंज कौन से जो एलिमेंट अपने आप को रिजिस्ट कर सकता है चेंज से मतलब वो चेंज को ईजिली अपने आप में ग्रैब नहीं होने देता है तो वो उसको उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी एक सब्सटेंस में एक मटेरियल में उतनी ही ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी भी होगी तो अगर हम रबर को खींचेंगे और स्टील की एक वायर को खींचेंगे तो इलास्टिसिटी स्टील की जो होगी वो ज़्यादा होगी और रबर की कम रबर जो होगा वो अपनी शेप में वापस आने में टाइम लगाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टील स्टील जो होगा वो ईजिली अपनी शेप में वापस आ जाएगा तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली मैग्नेट ओनली नेचुरल मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट कौन सा है मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट एक सिर्फ एक अकेला जो है वो नेचुरल मैग्नेट माना जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 89 नाइन और एट नाइनटी क्वेश्चन जो है एटी नाइन क्वेश्चन ही काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था काफ़ी बच्चे इसको रबर को टिक करके आ सकते हैं पर आपको रबर को टिक नहीं करना है आपको स्टील को टिक करना है और नाइनटी क्वेश्चन का आंसर क्या है मैग्नेटाइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वट प्रिंसिपल यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स, शिप्स और सबमरीन्स बनाने के लिए डिजाइन करने के लिए कौन से प्रिंसिपल का यूज किया जाता है आर्चोमेटिक्स प्रिंसिपल आर्चोमेटिक प्रिंसिपल की हेल्प से शिप्स और सब जो हैं वो उनकी डिजाइनिंग की जाती है नेक्स्ट नाइन्टी सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियर फिशंस आर इनिशिएटेड बाई न्यूक्लियर फिशंस जो इनिशियट uh, किसने किए थे सबसे पहले न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स में सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन देखे गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड अप ऑफ जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी जो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं नाइक्रोम की किसकी बनी होती है नाइक्रोम की, की नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है जिसकी है जिसकी हेल्प uh, से हम इलेक्ट्रिक हीटर की वायर्स बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज सोनोग्राफी के टाइम पे कौन सी वेव्स यूज़ की जाती हैं ये हॉस्पिटल्स में यूज होती है सोनोग्राफ़ी हम सोनोग्राफी के टाइम पे तो कौन सी वेव्स यूज होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं जो कि सोनोग्राफी में यूज़ की जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइन्टी फाइफ क्वेश्चन डायोड बल्ब वाज डिस्कवर्ड बाय डायोड बल्ब किसने डिस्कवर किया था सर जे एस फ्लैमिंग ने सर जे एस फ्लैमिंग जो इन्वेंटर थे किसके डायोड बल्ब के नेक्स्ट नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन है हु गेव द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी Uh, सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट वैल्यू किसने दी थी जी की कैवेंडिश ने क्या किया था हमें जी जो जी है उसकी वैल्यू हमें ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू हमें सबसे पहले कैवेंडिश ने बताई थी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था हु हैड शोड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम किसी ने बताया था कि हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में इक्वल है वो किसने बताया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने हमें क्या बताया था हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो हैं वो इक्वल हैं इन वैक्यूम नेक्स्ट नाइन्टी एट क्वेश्चन आया था वट इज द ऑफ मून मून की स्केप विलॉसिटी कितनी है वो कितनी है टू पॉइंट थ्री एट किलोमीटर पर सेकेंड ये उसकी आ जाती है मून की स्केब विलॉसिस टू पॉइंट थ्री एट किलोमीटर पर सेकेंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के नेक्स्ट नाइन्टी नाइन्थ क्वेश्चन है वाई डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप लिक्विड ड्रॉप की स्फेरिकल शेप क्यों होती है टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे हंड्रेड एमसी क्यूज का ही लास्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इज जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर होता है जिसकी जिसमें जो ईजिली अपने आप से चार्ज को फ्लो करने देता है तो जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है वो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल किससे होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये थे हमारे हंड्रेड एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज ऑफ फिजिक्स फॉर जेके एस एस बी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम अगर आप ये सारी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ चुके हो अभी तक तो आप मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जो फिज़िक्स सेक्शन है जो जेके के एग्ज़ाम के जो साइंस में जो फिज़िक्स का पार्ट आएगा आप वो ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे और आप फिज़िक्स से एटलीस्ट पूरे मार्क्स ले सकते हो सो एवरी वन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल तो बेल आइकन को दबा दो ताकि नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो केमिस्ट्री के एम सी पर आने वाली है वो आपको उसका अपडेट मिल जाए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो आपको पूरा अंडरस्टैंड करो अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं उसका रिप्लाई करूंगी सो थैंक यू स्टूडेंट्स